वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जब दसवीं गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में संगत किया करते थे तो अमृत समय दीवान के समय अपने सिखों के साथ वचन करते, उन्हें निरंकार की भक्ति के साथ जोड़ते और सही जीवन जीने की राह बताया करते। कहते हैं बाबा बुड्ढा जी के पड़पोते बाबा राम कुंवर जी गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में उपस्थित होकर सारे उपदेशों को प्रतिदिन सुनते और शाम के समय भाई साहिब सिंह जी से लिखवा लिया करते, क्योंकि उनकी लिखाई बहुत सुंदर थी। इसलिए बाबा राम कुंवर जी ने भाई साहिब सिंह जी की सहायता से 100 शाखें संपूर्ण की। इस 100 शाखे में गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को रहत मर्यादा धारण करने के लिए कहा है और भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही बता दिया था। आज हम इस वीडियो में 100 साखी में से गुरु गोविंद सिंह जी की बताई हुई रहत मर्यादा के बारे में मिलकर जानेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 100 साखी में साफ लफ्जों में यह हुक्म दिया है कि जो मनुष्य रहत मर्यादा पर मजाक या दलीलबाजी करेगा उसका जीवन बेकार है। कर्ज न लेवे किसी का, लेत जो देवे पाव, खुशी करे घर सिखणी, भला दिखावे राव। गुरु गोबिंद सिंह जी हुक्म देते हैं किसी से कर्ज ना लो, अगर मजबूरी में लेना भी पड़ जाए तो प्रेम और धन्यवाद सहित उसे वापस कर दो। सतगुरु जी सिख को जीवन जीने का सही रास्ता दिखाते हुए कहते हैं कि अपनी धर्म पत्नी के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो और प्राय स्त्री का त्याग करो। झूठ ना बोलो सुने नाही, झूठ न कर है प्रीत, सच कमावे सच संगत, साची पाले रीत। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते हैं सिख को झूठ नहीं बोलना, ना ही झूठ की संगत करनी, बल्कि सच का खरीदार बनना है, सच्चे नाम वाले गुरुमुखों की संगत करनी और सच्चा कर्म करना है। सच व्यापारी सच सूरमा, सच्चा पंडित सिद्ध, सच्ची खेती सच कसब, सच्चे रंग प्रबुद्ध। गुरु जी कहते हैं मेरे सिख को सच का व्यापारी बनना है, क्योंकि सच बोलने वाला ही सूरमा कहलाता है। असली सिद्धि और महानता इस बात में है अगर सिख सच का सौदा करे। गुरु जी फरमाते हैं मेरे सिखों की कमाई सच की कमाई हो और सच को ही वो धारण करे। सिख होए जूठा ना खावे, सिख होए तन ते छिटकावे, सिख प्रसाद वंज कर खाए, नागे केस भोजन सुकताए। गुरु जी फरमाते हैं कि सिख होकर किसी की झूठ नहीं खानी। सिख वही है जो बेगानी स्त्री से अपना पल्ला छुड़ाए। सिख को ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को खिलाकर फिर खाए। सिख वही है जो नंगे सिर प्रसाद छकने से परहेज करे। खावे गुर का नाम जप पढ़ ले प्रसाद। गुरु जी इस उपदेश में फरमाते हैं सबसे पहले सिख को अमृत समय उठकर भजन करना, फिर जपजी साहिब की बाणी का पाठ करना और फिर प्रसाद छकना है। गुर की पाहुल सिख ले रहत कमावे ग्रंथ, सो बेड़ा सो सेविया और न पर मैं पंथ। गुरु जी फरमाते हैं सिख अमृत पान करे और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हुक्म अनुसार उस पर अमल करे, अपने जीवन में लागू करे और अपने जीवन को हुक्म अनुसार बिताए। जो उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है उसको ही माने, दूसरे धर्म के ग्रंथों को नहीं अपनाए, सभी पंथों को प्यार भरी नजर से देखे पर उनमें अपने आप को नहीं मिलाना, यानी उसको अपनाना नहीं। मेरा सिख सबसे न्यारा रहे और उसकी पहचान अलग हो, अपनी निगाह गुरु साहिब जी के हुक्मों पर रखे। प्रसाद अरदासी बांट दे सबको समता बांट, जो प्रसाद मैं ही रखा करता तोड़े सार। गुरु जी फरमाते हैं अरदास करने के बाद पाठी सतगुरु जी का प्रसाद बराबर बराबर बांटे, अगर उसकी ये सोच है कि संगत को थोड़ा थोड़ा बांटकर बाकी सारा प्रसाद अपने लिए रख ले तो याद रहे उसको हिसाब देना पड़ेगा। लोभ करे प्रसाद में जमकी खावे मार, सो प्रसाद गाले तिसी, रोग दोख धन खवार।
गुरु जी फरमाते हैं, जो सिख प्रसाद बांटते समय लालच करे उसको यमों की मार पड़ेगी, उसको बीमारियां जकड़ेंगी, उसका इकट्ठा किया हुआ धन बीमारियों पर ही लगेगा। करे कड़ाह त्रिपावली सुच पवित्र तन थाए, गुरु प्रसाद अरदास कर नागा भोगना आए। गुरु जी फरमाते हैं, कड़ा प्रसाद बनाते समय आटा घी चीनी तीनों वस्तुएं बराबर बराबर मात्रा में डालकर स्वच्छ होकर साफ व पवित्र स्थान पर बनाए, गुरु जी की हजूरी में उस प्रसाद को रखकर अरदास करे और फिर सारी संगत में बांटे। याद रहे कि अरदास करते समय गुरु का प्रसाद गुरु की हजूरी में ढका रहे। ठगुआ विप्र सिख भेख खंडन नारी होए, मुसे पुलावे गर्भ बिन विश्वास सिखना कोए। गुरु जी फरमाते हैं, जो ब्राह्मण सिखी भेष में होकर ठगे, जो ये उपदेश देता फिरे कि नारी को त्याग दो, गृहस्थ त्याग दो, लोगों को गुमराह करे, ऐसा मनुष्य गुरु का सिख नहीं हो सकता, उससे परहेज करे। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने अंत में वचन किया कि हे मेरे प्यारे सिखो, इन हुक्मों को पूरी तरह से अमल करने से मेरा सिख 84 लाख योनियों से मुक्ति पा सकता है, जन्म मरण से बच सकता है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।